शहीदों की चिताओं पर, एक तो मैं वैसे कहता हूँ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और जब तक इस देश में ये बीजेपी रहेगी, सेना के जवानों की ऐसे ही हत्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, कभी राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और राष्ट्रभक्ति पे सब लोग बह जाते हैं। इसीलिए पुलवामा हमला हुआ था 2019 के चुनाव से पहले, और बंगाल को जीतने के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में करा दिया नक्सली हमला, जो पहले से तय था। इसकी गवाह है प्रशांत किशोर। आपके पास क्या सबूत है? प्रशांत किशोर जो उनका रणनीतिकार था 2014 में, दो एक या डेढ़ महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था। कैसे कि कौन बोल रहा है? जो उनका 2014 का मोदी का सबसे बड़ा रणनीतिकार था चुनाव। अब तो नहीं है, तो विरोधी है वो। है? तो विरोधी हाँ, अगर तुम्हारी बात कहे तो तुम्हारा फेवर का, और तुम्हारे खिलाफ कह दे तो विरोधी। मोदी की बात कहे तो कुत्ता भी यकीन नहीं कर रहा, देश तो जब यकीन करेगा। हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई इंसान बेरोजगार बचा नहीं, शायद बिहार से ला रहे होंगे रोजगार देने को बेचारों को, लड़कों को। यही तो इस बीजेपी का हाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कनॉट प्लेस में प्रचार करती है और मोदी अपना प्रचार अमेरिका में करता है। हिंदुस्तान की जनता को तो बताते ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ करा हो तो बताओगे? किसी एक काम बता दे मोदी ने करा हो या योगी ने करा हो, उसका सीधा उदाहरण है। 1.25 साल हो गया इस आपदा बीमारी को आए हुए हिंदुस्तान में, 1.25 साल। 1.25 साल में मोदी बताए या योगी बताए कि एक भी हॉस्पिटल बना हो, मुझे बता दे। कितने डॉक्टरों की नियुक्ति करी हो वो बता दे। दूसरी चीज, टीके जो वे वैक्सीन है, वैक्सीन हिंदुस्तान वालों को तो मिली नहीं, विदेशों में भेज रहा। तो सबका ख्याल रखती है ना वो, है? सबका ख्याल रखते पूरी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया का ख्याल करो, अपने वालों को सल्फास दे दो। एक राक्षस की जान तोते में थी और इस सारी बीजेपी की जान ईवीएम में है। तो ये उतनी ही विधानसभा या उतनी ही लोकसभा की सीटें जहाँ जितनी ये कहते हैं उनमें ईवीएम सेटिंग कर देते हैं। अरे उसी का तो दंड भुगत रहे जो सड़क पर पड़े। आप कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं सही है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? जब तक पुलिस के डंडे पिछवाड़े पे धावा धाव नहीं पड़ते तब तक कहता ही नहीं मैं चोर हूँ। डिसाइड कौन करेगा चोर कौन है? वो तो पुलिस को खुद चलाने वाले उनको कौन डंडे पड़ेंगे जिन्हें आप कह रहे हैं। अरे सारे को चलाने वाले देश की जनता है। जब देश की जनता पीटती है ना तो पिटते भी हैं, और लू कहते हैं इन्होंने ना पिटा। उसका रिकॉर्ड देख लेना, पंजाब में पिटा और लू कह रहा मैं ना, मुझे ना पिटा। किसानों ने उत्तर प्रदेश का विधायक पिटा, पुलिस नहीं पिटा, और लू कह रहा मैं ना पिटा। तो किसान इस तरह की घटना क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों क्या कर दी नेताओं को? क्यों मतलब किसानों ने कहा पिटा? तेरे से किसने कही? मैंने कही किसान ने पिटा, मैंने कहा देश की जनता पीटती है। तेरे से किसान का नाम किसने लिया? लग रहा है आपके साथ जो पिटने वाला वही मना कर रहा है, मुझे किसानों ने नहीं पिटा। और किसान या तो गांव में या बॉर्डर पे, शहर में कहाँ किसान? तो फिर ये अखबार प्रेस वाले क्यों कह रहे भाई? ये तो मीडिया ही नहीं का। जहाँ उनकी सरकार नहीं है वो लोग बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? गधों की सरकार है बीजेपी की ना? यही कह रहा ना, जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ के बोल रहे। वहाँ पर है स्टॉक, है स्टॉक कहाँ है? वो कह रहा गाजियाबाद का, वो पढ़ ले कल का अखबार जो हिंदुस्तान, उसमें साफ लिखा है। कहने वाले और सुन, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें है ही नहीं वो क्या ना क्या लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या? अरे रामदेव के लगवा दो एक, हो सके इस कोरोना की वैक्सीन से उसकी आँख ठीक हो जा। देखिए सबसे बड़ा भारत का लुटेरा, सबसे बड़ा धोखेबाज रामदेव है। सारे हिंदुस्तान की जनता से कहा काम धाम छोड़ो, योग करो योग करो योग करो, आगे बढ़ाया। अरे सारे देश को योग में लगा दिया, अपने में उद्योग धंधे कर दिए, अपने देश का नाम हो रहा विदेशों में। कहाँ हो रहा विदेशों में? योग और उद्योग एक साथ चला रहे ना। कहाँ चला दिया योग और उद्योग एक साथ चला? सबको कर दिया, सबको बेवकूफ कर बना दिया, सबका काम छुड़ा के योग में लगा दिया,
अपना उद्योग धंधा शुरू कर दिया। हमारे देश को देख के विदेशी भी योग करने लगे, हमारे देश वालों को देख के विदेशी डंडा लेके भागने लगे पीछे, गो बैक होने लगी, मोदी गो बैक। वो विरोधी है, विरोधी ताकत है क्यों? वो कहाँ से आ गई विदेश में? अभी तो कह रहा है विदेशी जो है सम्मान कर रहे, अब विदेशी उसका गो बैक करने लगे तो विरोधी हो गए। कुछ लोग हैं, चलो अब कब भेज दे कहीं और। लॉकडाउन से हम नहीं डर रहे, लॉकडाउन लगा देश में, इमरजेंसी लगा, आंदोलन जारी। डर तो शाहीन बाग वाले भी नहीं रहे थे। ऐसा है तो तू इस किसान आंदोलन को की तुलना शाहीन बाग से मत कर, वो एक जाति धर्म का आंदोलन था। आप मानते हो जाति धर्म का? हाँ, वो एक जाति धर्म का आंदोलन था, ये पूरे देश का आंदोलन है। हाँ, आंदोलन लंबा चलाओगे? लंबा चलेगा, जब तक सरकार चाहेगी तब तक चलेगा। हाँ, सारा हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा। जैसे बोला जाता है कि कांग्रेस वाले हमें सपोर्ट करती है, भारत की जनता, हमें किसी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आपको कांग्रेस का एजेंट भी बोलने लगे हैं। अब कुछ अब मैं तो उन्हें कुत्ता भी बोलता हूँ, फिर क्या होगा? बोलते कांग्रेस वाले भेजते हैं। हाँ भेजते हैं, तू भी ले लिए कांग्रेस से। मुझे सपोर्ट कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री मोदी, और हमारे आंदोलन को सारा पैसा भेज रहा है भारत का प्रधानमंत्री मोदी। देखो अब क्या होता है कि बहुरूपिया अब किस अगले रूप में आता है वो 2 मई के बाद पता चलेगा, देखते हैं। दो बहुरूपिया उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, ये फिर जो चुनाव होंगे वहाँ किस रूप में आता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, तो मध्यवर्ती चुनाव कराओ भारत में, मध्यवर्ती चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कोरोना नहीं जाता, तो हिंदुस्तान में मध्यवर्ती लोकसभा चुनाव करा दो, कोरोना भाग जाएगा। तो बना लो ना, मैं तो कह रहा हूँ कराओ चुनाव, पता चल जाएगा। आप कहते हो जनता खिलाफ है। देखिए मोदी नहीं, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ का नारा अब चलेगा।